हल्लेलुया, येसु की स्तुति हो, येसु की आराधना हो। येसु हमारे बीच में सच में आने का समय है, परम प्रसाद की आराधना का समय। आज मिसा के बीच में मैं आपको एक व्यक्ति का गवाही सुनाया था आराधना में। येसु उनके पास आकर वेदी में उपस्थित परम प्रसाद से येसु उतर के उनके पास आकर उन्हें खटिया से उठाया, खड़ा कर दिया और आराधना प्रभु की स्तुति करने के लिए बताए और वो छंगा ही प्रदान किया। वही येसु आज भी जिंदा है। हमें ईश्वर के बारे में बताया, वह आदि और अंत है, वह आदि और अंत है, सदा जीवित रहने वाले ईश्वर। उसी का कहना है, जहां दो या तीन लोग मेरे नाम पर एकत्रित है, मैं उनके बीच में उपस्थित हूं। इसलिए भाइयों बहनों, हम इस समय विश्वास करें, ईश्वर का सच्चा सानिध्य हमारे बीच में है। हम उसी की ही आराधना करने के लिए जा रहे हैं। प्रभु ईश्वर बताता है, मैं हूं एकमात्र ईश्वर, मेरे सिवा और कोई ईश्वर नहीं है, मेरे पहले ना तो हुआ है, मेरे बाद कोई ना होगा। इसलिए उसी की ही केवल आराधना करना बाइबल हमें सिखाती है। तुम सब मेरे पास आओ, पृथ्वी के सीमांतों से मेरे पास आओ, प्रभु कहता है। इसलिए हम अलग अलग जगहों से, परिवारों से एकत्रित हुए हैं इस जगह में, इसलिए हम मिलकर उसकी आराधना करेंगे। आपके जो भी प्रार्थनाएं हैं इस आराधना में समर्पित कीजिए। आपका रोग बीमारी हो सकते हैं, शायद कुछ दुर्बलताएं हो सकता है, प्रार्थना करने के लिए नहीं सक रहे हैं, विश्वास नहीं हो रहे हैं, नींद आ रहे हैं और अन्य विचार मन के अंदर आ रहे हैं, घर की चिंता है, किसी मनुष्य को या धन संपत्ति को सब ज़्यादा महत्व देते हुए रखे हैं, वो सब इस समय त्रिएक ईश्वर की आराधना में हम समर्पित करेंगे। हम सब इस समय घुटना टेकेंगे। वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, तुम प्रभु की दया के कारण आनंद मनाओ और उसकी स्तुति करने में लज्जा का अनुभव मत करो। तुम प्रभु की दया के कारण आनंद मनाओ और उसकी स्तुति करने में लज्जा का अनुभव मत करो। ईश्वर की दया के कारण हम आनंद मनाता, हमारे जीवन का आनंद ईश्वर की दया के कारण, ईश्वर हमारे ऊपर बरसाने वाला अनुग्रह है। इसलिए आज आपका आनंद और कहीं पर भी हो, ईश्वर पे आनंद मनाने के कृपा मांग लें। नशा में और अन्य किसी आदत में, बुराई में सब आनंद मनाते हो, उसे इस समय समर्पित कीजिए। आपका एक समर्पण आपके जीवन को बदलेगा। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे द्वार पर आकर खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरे लिए द्वार खोलेगा, मैं उनके अंदर आ जाऊँगा। इसलिए भाइयों बहनों, आपके द्वार पर, आपके हृदय के द्वार पर ईश्वर इस समय आकर खड़े हैं, वेट कर रहा है आपका। आपका एक एक कार्य, आपका हृदय खोलने का कार्य, आप जितना ईश्वर को समर्पित करते हैं उतने अनुग्रह आपको देने के लिए यीशु आपके सामने आता है। तो आने वाले यीशु के लिए इस समय हृदय खोलते हुए, उनकी स्तुति आराधना करते हुए हम मिलकर उनकी आराधना करें, उनको हमारे बीच में स्वागत करें। हाथों को जोड़ेंगे, आंखें बंद कीजिए। हम एक पल आराधना में प्रभु यीशु को अपने हृदय में, अपने ही शरीर पर, अपने आत्मा पर स्वागत करने के लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता प्यारे पिता
देखते हुए हम प्रार्थना करेंगे। हल्का से ताली बजाते हुए हम प्रार्थना करते हैं। Thank you।
करेंगे, स्वीकार कीजिए। सानिध्य में इस समय खड़े हो जाएंगे। भाई बहनों, हम हृदय पर इस समय स्वीकार करें, हम ईश्वर के हैं, हम ईश्वर के बच्चे हैं और सदा ईश्वर के बच्चे बनकर रहने के लिए चाहते हैं। स्तोत्र ग्रंथ में इस प्रकार लिखा हुआ है, तूने मेरे शरीर की सृष्टि की, तूने माता के गर्भ में मुझे गढ़ा। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मेरा निर्माण अपूर्व है, तेरे कार्य अद्भुत है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, जब मैं अदृश्य में बन रहा था, जब मैं गर्भ के अंधकार में गढ़ा जा रहा था, तूने मेरी हड्डियों को बैठते देखा, तूने मेरे सब कर्मों को देखा, वे सब तेरे ग्रंथ में लिखे हैं। घटित होने के पूर्व ही मेरे दिनों की सीमा निर्धारित की गई है। इसलिए भाइयों बहनों, वचन कहते हैं, तूने मेरे शरीर की सृष्टि की, तूने माता के गर्भ में मुझे गढ़ा है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मेरा निर्माण अपूर्व है, तेरे कार्य अद्भुत है, मैं अच्छी तरह जानता हूं। इसलिए ईश्वर ही हमारा सृष्टि किए है,
और वही हमें संभालता है और वही हमारा स्वर्गीय पापा है। कहता है वचन में, जब मैं अदृश्य में बन रहा था, जब मैं गर्भ के अंधकार में घड़ा जा रहा था, तो तूने मेरी हड्डियों को बढ़ते देखा, तूने मेरे सब कर्मों को देखा है, वे सब तेरे ग्रंथ में लिखा है। इसका मतलब हमारे जीवन के हर पल ईश्वर हमारे साथ है, हमें देखते हुए, संभालते हुए, प्यार करते हुए, विपत्ति से बचाते हुए हमारे साथ रहने वाले एक ईश्वर। इसलिए भाइयों बहनों, ईश्वर से दूर रहकर हमारे एक जीवन नहीं है। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं दाखल दाहम तुम डालिया हो, जो मुझसे दूर रहेंगे वे सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाएगा। मुझसे दूर रहकर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, उन्होंने बताया है। इसलिए हम जो है सब ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के सहायता से हम आगे बढ़ते हैं। ईश्वर के सहायता से हम हर पल जीवित रहते हैं इस धरती पर। इसलिए हमारे सारे कार्यों को यीशु के हाथ में इस समय समर्पित करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा रूपी ईश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पित करें, हमारे शरीर को समर्पित करें, बुद्धि को ईश्वर के हाथ में इस समय समर्पित करें, हमारे आत्माओं को समर्पित करें। भाई बहनों, वचन कहता है तुम ईश्वर के अधीन रहो, वह तुम्हें उचित समय पर ऊपर उठाएगा। ईश्वर के अधीन रहना बाइबल हमें सिखाती है। यीशु मसीह पिता की ओर से इस धरती पर आने के बाद वह पिता के अधीन रहा। हर कार्य में पिता की इच्छा पूरा करते हुए, पिता की इच्छा खोजते हुए वो अपने आप को विनम्र बनाया। इसलिए पिता परमेश्वर उसे ऊपर उठाया, वचन में लिखा हुआ है। हम भी समर्पित करेंगे, पूर्ण रूप से इस समय समर्पित कर दीजिए और प्रभु से कहिए, प्रभु मैं आपका हूँ। बाइबल कहती है जो मनुष्य ईश्वर को अपने कार्यों को समर्पित करते हैं, अपने सभी योजनाओं को समर्पित करते हैं, प्रभु ईश्वर उन्हें आगे बढ़ने के लिए सहायता देता है। स्तोत्र 127 का प्रसंग 1-2 में इस प्रकार लिखा हुआ है, यदि प्रभु ही घर नहीं बनाए तो राजमिस्त्रियों का श्रम व्यर्थ है, यदि प्रभु ही नगर की रक्षा नहीं करे तो पहरेदार व्यर्थ जागते हैं, कठोर परिश्रम की रोटी खाने वाले तुम व्यर्थ ही सवेरे जागते हो और देर से सोने जाते हो, प्रभु अपने सोए हुए भक्त का भी परण पोषण करता है। इसलिए ईश्वर से दूर रहने वाले कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि वचन है कठोर परिश्रम की रोटी खाने वालों तुम व्यर्थ ही सवेरे जागते देर से सोने जाते हो, प्रभु अपने सोए हुए भक्त का भी परण पोषण करता है। इसलिए संभालने वाले ईश्वर, हमारा संचालन करने वाले ईश्वर, उसके अधीनता में जो मनुष्य रहता है, उस मनुष्य के बारे में बाइबल में इस प्रकार लिखा हुआ है, स्तोत्र ग्रंथ का अध्याय 1:2 से लेकर लिखा हुआ है, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है, वह उस वृक्ष के सदृश है जो जलस्रोत के पास लगाया गया, जो समय पर फल देता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, वह मनुष्य जो भी करता है सफल हो जाता है। इसलिए हमारे जीवन का सफलता ईश्वर से जुड़े रहकर ही है। ईश्वर से दूर रहकर कोई भी मनुष्य आगे बढ़ नहीं सकता है। हम इस समय अपने को समर्पित करें, हमारे स्वर्गीय पापा के हाथ में समर्पित करें। जिस तरह उड़ाव पुत्र ओ गंदगी से निकलकर पापा की ओर वापस लौट आए, पापा के अधीनता को स्वीकार किया, वैसे भाई बहनों हम भी इस समय हमारे स्वर्गीय पापा की ओर वापस लौट आएंगे। जिंदगी का कितना बुराई में फंसकर जीवन बिताने वाले व्यक्ति आप क्यों ना हो, जीवंत ईश्वर आज आपके लिए इंतजार करते हैं। समर्पित करेंगे, मेरे पीछे दोहराइए,
हे प्रभु ईश्वर, हे प्रभु ईश्वर, हमारे स्वर्गीय पापा, हम मिलकर तेरी आराधना करते हैं, और स्वीकार करते हैं, हम सब आपके हैं, क्योंकि हे अब्बा पिता, आपके पुत्र के रक्त की कीमत पर आप हम सबों को खरीद लिया है, इसलिए अंधकार की शक्तियों को हमारे जीवन से हम दूर कर देते हैं और हृदय पर विश्वास करते हैं मुंह से स्वीकार करते हैं हम सब ईश्वर के हैं और ईश्वर के बेटा बेटी बनकर सदा के लिए हम जीना चाहते हैं हे अब्बा हम पर दया कीजिए हे अब्बा हम आपको छोड़कर उड़ाव पुत्र की तरह पाप की गंदगी में चले गए थे हे पिता हम आपको प्यार करते हैं और आपकी ओर वापस लौट जाना चाहते हैं हे प्रभु उड़ाव पुत्र के पिता की तरह आप हमें अपनाइए हालेलुया हे प्रभु आपसे दूर रहकर हमारा जीवन नहीं है क्योंकि वचन कहता है जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता है और उसका मनन चिंतन करता है वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया है जो समय पर फल देता है जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं वह मनुष्य जो भी करता है सफल हो जाता है हाँ अब्बा पिता हमें सफलता देने वाले तेरी आराधना हो माँ के गर्भ से हमें संभालते हुए हमारे साथ रहने वाले पिता हम तेरी आराधना करते हैं और आपके चरणों पर अपने को पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं हे अब्बा आपको प्यार करने में जो भी बंधन हमारे जीवन में है उन सभी बंधनों को इस समय हमसे दूर कर दीजिए हालेलुया भाई बहनों हम ईश्वर की और दोनों हाथों के समय उठाएंगे पूर्ण रूप से अपने को समर्पित कीजिए हमारे पास जीवंत ईश्वर उपस्थित है उनके हाथों में अपनी इच्छाओं को समर्पित कीजिए हृदय के दुखों को समर्पित कीजिए माता के गर्भ में जब हम जन्म हुआ उसी समय से लेकर आज तक ईश्वर हमारे साथ रहा भले ही हमारे साथ दुख का बात हुआ हो हम जाकर पाप में गिरा हो प्रार्थना से दूर रहा हो और गलत गंदे रिश्ते में जाकर फंसा हो फिर भी हमारे स्वर्गीय पापा हमारे लिए इंतजार करता है हमारे साथ साथ चलकर हमें अपनाने के लिए बचाने के लिए चाहता है इसलिए उसके हाथ में अपने को पूर्ण रूप से समय समर्पित कीजिए और प्रभु से कहे पिता मैं तेरी ही आराधना करता हूँ मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ और यीशु मसीह तू मुझे बचाने के लिए अपने को समर्पित किया था हे पवित्र आत्मा आप सदा मेरे साथ रहकर मेरा हृदय की विधाओं को ईश्वर के सामने समर्पित करता है इसलिए त्रिएक ईश्वर अपने को समर्पित करते हुए स्वर्गदूतों के साथ मिलकर सभी संतों के साथ मिलकर
इस धरती पर जितने लोग इस समय आराधना में आपकी स्तुति आराधना करते हैं, उन सभी लोगों के साथ मिलकर हम भी इस समय तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 सभी लोग स्तुति कीजिए, खोलिए स्तुति कीजिए। हाथों को इस समय अपने छाती पर लगाइए। हमारे जीवन के दुख कभी ईश्वर से हमें अलग कर देता है, क्योंकि हम कभी सोचते हैं ईश्वर हमको प्यार नहीं करता, क्योंकि ईश्वर मेरे प्रियजनों को कभी मुझसे दूर लिया है। मृत्यु के द्वारा अचानक कोई ना कोई हमारे जीवन से दूर चले गए होंगे, या आपके माता पिताएं जैसे आप चाहते वैसे आपको प्यार नहीं कर पाया, और आपके जीवन साथी जिनको आप प्यार किया था वे सब शायद आपको कभी दुख दिया होगा। लेकिन प्रभु कहते हैं चाहे तुम्हारा मां तुम्हें भूल जाए, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल जाऊंगा, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। वो कहते हैं तेरा नाम मेरे हथेली पर अंकित किया हुआ है, तो मेरे लिए मूल्यवान हो। इसलिए हमें प्यार करने वाले वो स्वर्गीय पापा कहते हैं बेटा बेटी तुम मेरे लिए मूल्यवान हो, मात तो रखते हो। आकाश पृथ्वी से जितना ऊंचा है उतना ऊंचा है तुम्हारे प्रति मेरा प्यार। इसलिए ईश्वर का उस प्यार इस समय हम प्रत्येक व्यक्ति के हृदय पर भरने दें। पिता को पापा कहकर पुकारने के लिए हम सभी लोग इस समय योग्य बन जाने दें। वो पापा का प्यार हमारे हृदय के वो व्यथा को इस समय दूर करने दे। पिता को वो स्पर्श हमारे जीवन को बदलने दे। पिता के हाथ में अपने को देने में इस समय यदि आप असमर्थ हो, ईश्वर का वो प्यार, वचन कहता है जब हम पापी ही थे ईश्वर हमको प्यार किया है, हमको बचाने के लिए अपने पुत्र को समर्पित कर दिया। वो पुत्र यीशु कहता है जीवन देने से बढ़कर एक प्यार नहीं है। इसलिए इतना सब कुछ हमें दिया हुआ वो ईश्वर, अपने पुत्र को हमारे लिए समर्पित किया हुआ वो ईश्वर, और जीवन देते हुए हमें प्यार किया हुआ यीशु मसीह हमारे सानिध्य में है। उसके हाथ में समय अपने को समर्पित करें। मेरे पीछे दोहराइए, हे पिता मैं अपने हृदय के छोटों को समर्पित करता हूँ, क्योंकि माता के गर्भ में मेरा रूप धारण हो रहा था। आप मुझे देखा और आप आज तक
पिता मेरे साथ ही है, मेरे साथ ही है, मेरे जीवन में, मेरे जीवन के जो भी घटनाएं हुई है, जो भी घटनाएं हुई है, उन सभी घटनाओं को आपके सामने रख देता हूँ हे प्रभु उन घटनाओं के चलते मैं आपको निंदा किया आपसे दूर चला गया प्रार्थना से दूर रहा ईश्वर को पिता कहकर पुकारने में असमर्थ बन कर रहा हे अब्बा मैं माफी मांगता हूँ इस समय आपके प्यार से मेरे हृदय को भर दीजिए ताकि मेरे हृदय के सारे चोट दूर चले जाने दे हे ईश्वर आपका वचन है कि आप हमें माँ से अधिक प्यार करते हैं हमारे माता पिताओं से अधिक प्यार करने वाले ईश्वर आपके प्यार से मेरे हृदय के खालीपन को भर दीजिए हे अब्बा आपने कहा है मेरा नाम आपके हथेली पर अंकित करके रखा है और मैं तेरे लिए मूल्यवान हूँ हाँ पिता मुझे प्यार करने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ आपके प्यार से मुझे एक नया व्यक्ति बनाइए सदा आपके हाथ पकड़कर आपके साथ चलने वाले बेटा बेटी मुझे बनाइए हालेलुया भाई बहनों इस समय दोनों हाथों को प्रभु की ओर उठाएंगे हृदय के सभी व्यथाओं को इस समय समर्पित करें सारे चोटों को इस समय यीशु के सामने रखें क्योंकि यीशु की जिंदगी भी बहुत दुखों से सहना पड़ा वो हमारे साथ भी है इसलिए यीशु के घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए वचन में लिखा हुआ है यीशु इस समय हमारे मन के सारे चोटों के ऊपर अधिकार लेने दे हृदय पर ईश्वर के प्रति प्यार नष्ट हो गया हो हृदय में किसी व्यक्ति के प्रति गुस्सा घृणा सब भर गया हो क्योंकि वह आपको धोखा दिया है आपके साथ अत्याचार हुआ है आपका निंदा अपमान हुआ है किसी ना किसी व्यक्तियों के द्वारा उन सभी व्यक्तियों को इस समय जीवंत ईश्वर के हाथ में समर्पित करें और ईश्वर के प्यार हम प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में इस समय भरने के लिए प्रार्थना करते हुए स्तुति करें हालेलुया 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 आपके प्यार से मुझे भरे मुझे हृदय से लगाता है
ईश्वर के उस प्रेम में हम इस समय अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करेंगे। हम फिर से और एक बार घुटने के बल में आ जाएंगे, फिर एक बार घुटना टेकते हुए अपने को समर्पित करें। जीवंत ईश्वर जकरिया नबी के ग्रंथ के द्वारा हमसे कहता है, विश्वमंडल का प्रभु का कहना है कि मेरे पास लौट आओ, ये विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है, तभी मैं तुम्हारे पास लौटूंगा। यही विश्वमंडल के प्रभु का कहना है, तुम अपने पूर्वजों के समान मत बने रहो। प्राचीन काल में उन्होंने नबियों की चेतावनी सुनी थी, अपने कुमार को कुकर्म छोड़कर मेरे पास लौट आओ, किंतु प्रभु का कहना है कि उन्होंने ना सुना ना कुछ ध्यान दिया था। अब तुम्हारे वे पूर्वज कहाँ हैं? इसलिए प्रभु कहते हैं, हमें चेतावनी देते हुए कहते हैं, तुम्हारे पूर्वज लोगों को नबियों के द्वारा बार बार चेतावनी दिया गया था, लेकिन वे प्रभु की ओर वापस नहीं लौट आए, अपने पाप बुराई छोड़कर ईश्वर के पास वापस नहीं लौट आए। वो पापा मलाकी ग्रंथ के द्वारा कहते हैं, पुत्र अपने पिता का और दास अपने मालिक का आदर करता है, तो यदि मैं पिता हूँ मेरा आदर कहाँ है, यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरे प्रति सम्मान कहाँ है। इसलिए वो पापा चाहते हैं कि हम बच्चे उनके आदर करें। इसलिए तो उन्होंने कहा, मैं चाहा तुम मुझे पिता कहकर पुकारोगे, मैं चाहा तुम मुझे पिता कहकर पुकारोगे, लेकिन मेरी इच्छा व्यर्थ हो गई। भाइयों बहनों, हम इस समय वो पिता के सानिध्य में अपने आप को समर्पित करें। प्रभु कहते हैं, प्रभु अपने पुत्र अपने पिता का और दास अपने मालिक का आदर करता है, तो यदि मैं पिता हूँ मेरा आदर कहाँ है, यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरे प्रति सम्मान कहाँ है। हम इस समय पश्चाताप करते हुए अपने को समर्पित करेंगे, और पिता तेरा आदर सम्मान करने के लिए मुझे आप कृपा दीजिए, मेरा जीवन के हर पल में तेरे साथ जुड़े रहूं। जैसे यीशु ने बताया है, दागलदा में डालियां जुड़े रहते, वैसे तुम मुझसे जुड़े रहो। प्रभु आपके साथ जुड़े रहने के लिए कृपा, और आपको पिता कहकर पुकारते हुए आपके साथ रहने की कृपा मुझे दीजिए। मेरे पीछे दोहराएंगे, मेरे पीछे दोहराएंगे, हे अब्बा आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है कि आप पापों को छोड़कर, हम पापों को छोड़कर आपके पास वापस लौट आए, वापस लौट आए, और आपका आदर सम्मान करे, आदर सम्मान करे, क्योंकि मलाकी नबी के द्वारा आपने कहा पुत्र अपने पिता का और दास अपने मालिक का आदर करता है तो यदि मैं पिता हूँ मेरा आदर कहाँ है यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरे प्रति सम्मान कहाँ है हे अब्बा हम आपसे माफी मांगते हैं क्योंकि बीते दिनों में हमारे पाप के द्वारा बुरे आचरण के द्वारा बुरी इच्छाओं के द्वारा आपको तुच्छ समझते हुए हमने मनमानी जीवन बिताया आपके वचनों को स्वीकार नहीं किया आपसे दूर चले गए आपका अनादर किया आपके वचनों का पालन नहीं किया है हे ईश्वर हम आपसे माफी मांगते हैं हे प्रभु आपका आदर सम्मान करते हुए जीने की कृपा हमको दीजिए हमारे जीवन के हर पल हम आपके अधीनता में रह सके और आपको पिता कहकर पुकारने का
कृपा हमें मिल जाए, कृपा हमें मिल जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम दोनों हाथों को इस समय उठाएंगे। पिता चाहते हैं कि हम उसे पिता कहकर पुकारे, पिता कहकर पुकारे। हम इस समय दोनों हाथों को उठाते हुए एक पल धीमी आवाज में पुकारिए, अब्बा हे पिता, पुकारिए। सभी लोग पुकारिए, अब्बा हे पिता, अब्बा हे पिता। पुकारते जाइए, पुकारते जाइए। पिता अब्बा हे पिता, अब्बा हे पिता, अब्बा हे पिता, अब्बा हे पिता, अब्बा हे पिता। और आपकी आवाज, अब्बा हे पिता, आपकी आवाज, अब्बा हे पिता, अब्बा हे पिता। सभी लोग, अब्बा हे पिता, ईश्वर अब्बा हे पिता है, अब्बा हे पिता है, अब्बा हे पिता, 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 पुत्र और पवित्र आत्मा रूपी एकमात्र ईश्वर के सामने है। वो पिता अपने पुत्र को हमारे बीच में भेजा है। पुत्र यीशु इस प्रकार कहते हैं, जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा यह है कि जिन्होंने उसने मुझे सौंपा है मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश ना होने दूं, बल्कि उन समूहों को अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूं। मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो, मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। पिता की इच्छा यह है कि हम सभी लोग पुत्र को पहचानना और उसमें विश्वास करना है। ओ पुत्र यीशु कहते हैं, जो मुझे देखता है वह पिता को देखता है, मैं और पिता एक हूँ। मैं जो करता हूँ पिता की इच्छा ही करता हूँ, पिता ने जो करके दिखाया है वही करता हूँ, मैं जो बोलता हूँ पिता से मैंने जो सुना है वही बताता हूँ। इसलिए जो मुझे देखता है वो पिता को देखता है। इसलिए यीशु मसीह इस समय रोटी के रूप में हमारे सानिध्य में है। हम उसकी आराधना करें, उसका आदर सम्मान करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि बलि चढ़ाया हुआ मेमना आराधना के लिए योग्य है। ओ यीशु पिता का प्रतिरूप है, वो शब्द मनुष्य का रूप धारण कर इस धरती पर आया। जिस शब्द से पिता परमेश्वर सब कुछ का सृष्टि किया है, वो शब्द यीशु मसीह मनुष्य का रूप धारण करते हुए हमारे बीच में आकर निवास किया। वही यीशु कहता है, जो मुझे देखता है वह पिता को देखता है, जो मेरा आदर सम्मान करते हुए जिसने मुझको भेजा है उसका आदर करता है। इसलिए पुत्र का आराधना पिता की आराधना है, पुत्र का आदर सम्मान पिता की आदर सम्मान है, पुत्र की महिमा पिता की महिमा है। जो पुत्र से जुड़े रहता है वह पिता से जुड़े रहता है, जो पुत्र से दूर रहता है वह पिता को तुच्छ समझकर पिता से दूर चले जाते हैं। इसलिए
यीशु मसीह ईश्वर के पुत्र जो है, जिनको पिता हम सबों को बचाने के लिए इस धरती पर भेजा, हम उसकी आराधना करें। पिता की इच्छा है जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो जाए। मेरे पीछे दोहराइए, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, रोटी रूप में हमारे सामने उपस्थित यीशु, आप स्वर्ग से हम सबों को बचाने के लिए इस धरती पर आया और हमारे पापों को अपने ऊपर लेते हुए आप क्रूस पर मरा है और हमें अंधकार की शक्तियों से मृत्यु से बचाया है। हम विश्वास करते हैं हे प्रभु आपकी इच्छा है हम आपको पहचान कर आप में विश्वास करें और आपकी आराधना करें हे यीशु ईश्वर के पुत्र आप एकमात्र रक्षक है आपके नाम के सिवा मनुष्यों को मुक्ति के लिए दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है हम विश्वास करते हैं हे प्रभु यीशु आपके नाम पर मुक्ति है आपके नाम पर बंधन खुलते हैं आपके नाम पर अंधकार की शक्तियां निकल जाते हैं आपके नाम की अधीनता में पिता ईश्वर सब कुछ समर्पित कर दिया हम विश्वास करते हैं वचन में लिखा है ईश्वर ने यीशु मसीह को महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है जिसे ईसा का नाम सुनकर आकाश पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके हाँ प्रभु यीशु आपके सामने घुटने टेकते हुए हम तेरी आराधना करते हैं और आपकी अधीनता को हम स्वीकार करते हैं हे प्रभु यीशु हम सब आपके हैं आपके रक्त के कीमत पर खरीदे हुए हैं आपसे दूर रहकर हमारा कोई जीवन नहीं है हे यीशु आप भला गडरिया है भेड़ों के लिए जीवन देने वाला सच्चा गडरिया हे यीशु आप हमें नाम लेकर पुकारते हैं हे यीशु आपके आवाज सुनकर आपके पीछे पीछे आने की कृपा हमको दीजिए हम सब आपके भेड़शाला के भेड़े हैं हालेलुया हे प्रभु हमें आपसे दूर करने वाले अंधकार की शक्तियों को हमसे दूर कीजिए हे भला गडरिया अंधकार की शक्तियों आप हमें बचाइए हालेलुया हम अपने को हे प्रभु यीशु आपके हाथों में समर्पित करते हैं हमारे शरीर आपका मंदिर है हमारी बुद्धि को हमारे मन को
आत्मा को शरीर के प्रत्येक अंग को हे प्रभु येसु समर्पित करते हैं। हम आपके हैं और आपके बनकर सदा जीना चाहते हैं। हे येसु आ जाइए, हमें छू लीजिए, चंगा कीजिए। वचन में लिखा है शिष्य लोग जाकर सर्वत्र वचन सुनाए, साथ साथ खंडित होने वाले चिन्ह चमत्कारों के द्वारा प्रभु अपने सान्निध्य को प्रकट किया है। यीशु नाम पर बंधन खुलने दे, यीशु नाम पर रोग बीमारियां हमसे दूर चले जाने दे, यीशु के नाम पर हमें सताने वाले सारे अंधकार की शक्तियां हमसे दूर चले जाने दे, यीशु के नाम पर निराशा दूर जाने दे, दुख मिट जाने दे, बुरे आदतें यीशु के नाम पर हमें छोड़ के चले जाने दे, यीशु के नाम पर हम प्रत्येक व्यक्ति अनुग्रहित हो जाने दे, यीशु की कृपा यीशु की सहायता हम इस समय हमारे जीवन पर ले लेते हैं। प्रभु के लिए सब कुछ संभव है, वह हमें नया बनाता है। यदि वह खोलेगा वह सदा के लिए खुला रहेगा, यदि वह बंद रहेगा वह सदा के लिए बंद रहेगा विश्वास करते हैं हालेलुया हालेलुया यीशु की महिमा हो, यीशु की स्तुति हो, मेरे जीवन में मेरे शरीर में मेरी दुर्बलता में मेरे बंधनों में मेरी आवश्यकताओं में यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हालेलुया हालेलुया। दोनों हाथों को भाई बहनों इस समय यीशु की ओर उठाइए। यीशु रोटी के रूप में जो हमारे बीच में है इस समय हम प्रत्येक व्यक्ति के सामने आकर हमको छू कर इस समय शुद्ध करने दे, हमारे बंधनों से हमें दूर करने दे, रोग बीमारी से छुटकारा देने दे, दुर्बलताओं से प्रभु यीशु हमें मुक्त करने दे। प्रभु के प्यार प्रेम से हम सभी लोग इस समय भर जाने दे। प्रभु का सान्निध्य हमारे जीवन के हर पल हम महसूस कर सके। हम मिलकर स्तुति करें हालेलुया हालेलुया हालेलुया
यीशु कहते हैं मैं तुम्हें एक सहायक को प्रदान करूंगा। वो सहायक पवित्र आत्मा है। आत्मा की सहायता के सिवा किसी को भी ये बोल नहीं सकता है यीशु रक्षा है, वचन में लिखा हुआ है। वो हमारे दुर्बलता में हमारे सहायता करने वाला पवित्र आत्मा है, लिखा है वचन में। हम जब इतना निराशा में रहता है, हमारे हृदय के गहराई में प्रार्थना है लेकिन बोल नहीं सकता है, हमारे अस्पष्ट आहों द्वारा होने वाले प्रार्थना को भी पवित्र आत्मा ईश्वर के सान्निध्य में पहुंचा देते हैं वचन में। वो आत्मा जब आएंगे, आत्मा तुम्हें नया बनाएगा, यीशु शिष्यों से बताया, क्योंकि वह सब कुछ नया बनाने वाला है। आत्मा तुम्हें सब कुछ सिखाएगा, बाइबल में लिखा हुआ है। राजा साऊल से प्रभु कहा, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आ जाएंगे तुम एक नया व्यक्ति बन जाओगे। इसलिए वो आत्मा हमें एक नया व्यक्ति बनाने वाला, ईश्वर के बेटा बेटी बनाने वाले, ईश्वर के स्वभाव हमारे अंदर रखने वाले, ईश्वर की इच्छा के अनुसार पर इस धरती पर जीने के लिए सहायता देने वाले, ईश्वर के कार्यों को इस धरती पर जारी रखने के लिए अलग अलग वरदानों को देते हुए हमें शक्ति सहायता देने वाले आत्मा, वो त्रिएक ईश्वर का हम आदर सम्मान करते हैं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा रूप ईश्वर की आराधना हम करते हैं। इसलिए हमारे शरीर को पवित्र आत्मा का मंदिर इस समय बना दीजिए। आत्मा हमारे अंदर निवास करता है, आत्मा से संचालित होकर जीने वाला, आत्मा की इच्छा में जीने वाले एक व्यक्ति हम बन जाते हैं। मेरे पीछे फिर से दोहराइए, हे प्रभु, हे प्रभु, आपके पवित्र आत्मा से, आपकी पवित्र आत्मा से मुझे भर दीजिए, मुझे भर दीजिए। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, मेरे शरीर को, मेरे शरीर को आपके मंदिर बनाइए, आपके मंदिर बनाए। हे आत्मा, हे आत्मा, मेरे दुर्बलता में, मेरे दुर्बलताओं में आप आ जाइए, आप आ जाइए। आप मुझे आपके आपके वरदानों से, वरदानों से भर दीजिए, भर दीजिए। हे आत्मा, हे आत्मा, आपके गुणों से, आपके गुणों से, फलों से, फलों से आप मुझे एक नया इंसान बनाइए, एक नया इंसान बनाइए, ताकि मैं आपकी सहायता से, आपकी सहायता से ईश्वर की इच्छा को, ईश्वर की इच्छा को पूरा करते हुए, पूरा करते हुए इस धरती पर, इस धरती पर जी सकूं, जी सकूं। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, बुराई और भलाई को, बुराई और समझने के लिए, समझने के लिए और भलाई को, और भलाई को अपने जीवन में, अपने जीवन में स्वीकार करने के लिए, स्वीकार करने के लिए आप मेरा, आप मेरा मदद कीजिए, मदद कीजिए। मैं अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए, प्रियजनों के लिए, प्रियजनों के लिए, समाज के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, देश के लिए अनुग्रह का, अनुग्रह का एक इंसान बन जाऊं, एक इंसान बन जाऊं। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, आप मेरा साथ दीजिए, साथ दीजिए, ताकि मैं किसी को भी बुराई में ना गिराऊं, ना गिराऊं, पाप की ओर, पाप की ओर लेके ना जाऊं, लेके ना जाऊं। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, आपकी सहायता से, आपकी सहायता से शत्रुओं को, शत्रुओं को क्षमा देने की कृपा, क्षमा देने की कृपा, प्यार करने की कृपा, प्यार करने की कृपा मिल जाए, मिल जाए। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, मुझे नया बना दीजिए, मुझे नया बना दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हे आत्मा, हे आत्मा, हम मिलकर तेरी आराधना करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। हे आत्मा, जीवंत आत्मा, जीवंत आत्मा, हमारे साथ रहने वाले आत्मा, हमारे साथ रहने वाले, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। हम दोनों हाथों को प्रभु की ओर उठाते हुए, ओ पवित्र आत्मा जो हमारे साथ है, हमें सहायता देने वाले, उसका भी आदर सम्मान स्तुत करते हुए, आराधना करते हुए हम और एक बार स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। Yeah.
ईश्वर की महिमा इस समय हमारे बीच में है। पुत्र यीशु की, ईश्वर की, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा रूपी ईश्वर की आराधना करते हुए हमारे सारे प्रार्थनाएं फिर से और एक बार समर्पित करें। हम उसकी महिमा हमारे जिंदगी पर अनुभव करने के लिए एकत्रित हैं। ईश्वर की कृपा हमारे जीवन पर इस समय अनुग्रहित प्रकट होने दें। हम सभी लोग हमारे सारे प्रार्थनाओं को ईश्वर के सान्निध्य में इस समय समर्पित करें और उसकी महिमा, उसकी अनुग्रह, उसके उसके सान्निध्य हमारे जिंदगी पर होने दें। हम मिलकर इस समय फिर से गाएंगे, तेरी महिमा हो, वो महिमा का गीत गाते हुए हम प्रभु के आशीर्वाद को इस समय स्वीकार करेंगे।